वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक बड़ी खबर। इस वक्त की आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि परिसर में मलबा हटाने और जमीन को समतल करने के दौरान कई पुरातत्व महत्व के प्राचीन मूर्तियां यहां पर मिली हैं। कई प्राचीन खंभे और दूसरी चीजें भी यहां पर मिली हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग उस हिस्से से मिला है जहां पर मलबा हटाया जा रहा था, समतलीकरण का काम जहां पर चल रहा था। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां भी यहां पर मिली हैं। अतिरिक्त 7 ब्लैक टच स्टोन के खंभे, 6 रेड सैंड स्टोन के खंभे भी यहां पर मिले हैं। इन पर जिस तरह की आकृतियां खुदी है उससे साफ है कि ये प्राचीन और पुरातत्व महत्व के हैं। पिछले 10 दिनों से श्री राम जन्मभूमि पर मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंभे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर किले पर भी लगा मिला है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब इस इलाके में खुदाई हुई थी तो इस तरह की चीजें मिली थी और अब आमलक या फिर कलश, पाषाण के खंभे, ये सब मिलना इस बात को और पुख्ता करता है, बताता है कि यहां पर पहले प्राचीन और भव्य मंदिर ही हुआ करता था। श्वेता देखिए, इससे पहले जो पुरातात्विक चीजें मिली हैं उसके तो बकायदा पुरातात्विक प्रमाण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी दिया है। उन लोगों ने भी माना था कि इस जगह पर बहुत सारी पुरातात्विक चीजें, पुराने मंदिर से जुड़े हुए भग्नावशेष वहां मिले हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो कि ट्रस्ट बनाया गया है राम मंदिर के लिए, और राम मंदिर बनाने के पहले जो समतलीकरण चल रहा है उस जगह का जहां पर रामलला विराजमान थे और उनकी मूर्ति को दूसरे जगह शिफ्ट किया गया है ताकि गर्भगृह को समतल किया जा सके और मंदिर का निर्माण किया जा सके, उस जगह पर जब खुदाई हुई है तो ये तमाम चीजें मिली हैं। और खुद महामंत्री चंपत राय ने इस बात को कंफर्म किया है कि 7 ब्लैक स्टोन के खंभे हैं, टच स्टोन के खंभे हैं, 6 जो है वो सैंड स्टोन के खंभे हैं और एक शिवलिंग जो लगभग 5 फीट का है, 4 फीट 11 इंच का, वो भी मिला है। तो बकायदा इसकी तस्वीरें भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से दी गई हैं और ये बिल्कुल अब पुख्ता है कि वो पूरा का पूरा इलाका पुरातात्विक महत्व की चीजों से भरा हुआ है। यानी कि जैसे जैसे राम मंदिर के लिए निर्माण की खुदाई होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।